नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज, मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। कन्नौज एक्सप्रेसवे के किनारे खून से लथपथ एक महिला का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने महिला की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। आज दिनांक 13/12/2023 को थाना ठठिया के अंतर्गत सोशी अंडरपास के पास एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना ठठिया की पुलिस तथा मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर महिला के शव को सुरक्षित किया तथा उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम ताजमहल में नियमों के उल्लंघन के बाद अब नया मामला मेहताब बाग का सामने आया है। ताजमहल के संरक्षित मेहताब बाग में एक युवक कार लेकर घुस गया। उसने कार के साथ फोटो भी खिंचवाया। ये फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मेहताब बाग में एक युवक कार के साथ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ताजमहल भी दिखाई दे रहा है। नियमों के मुताबिक मेहताब बाग में कोई भी वाहन ले जाना और कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करने पर रोक है। इसके बाद भी कार को अंदर ले जाया गया। बताया गया कि कार ASI के कर्मचारी की है। फोटो वायरल होने के बाद ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह फोटो जून 2023 योग दिवस का है। योग दिवस पर कुछ जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कार को ले जाया गया था, मगर जिस तरह से फोटो शूट कर पोस्ट किया गया है वो गलत है। इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ब्रज प्रांत की लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। विधायक सोमनाथ भारती ने अपने संबोधन में कहा कि 2013 से उनकी सरकार है और अब MCD में भी आ गई है। उनकी पार्टी की जीत से केंद्र सरकार बौखलाई हुई है। इसी वजह से उनकी पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार निशाना बना रही है। आदि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज आगरा में लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के हमारे पदाधिकारी, हमारे एक एक कार्यकर्ता जहां आज इकट्ठे हुए हैं। माननीय संजय सिंह जी, जिनकी गैर संवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है 4 अक्टूबर को, जिस तरह से संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मुख्य अतिथि हमारे यहाँ विधायक और पूर्व कानून मंत्री भाई सोमनाथ भारती जी रहेंगे दिल्ली से। और हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को कुचला और दबाया जा रहा है वर्तमान तानाशाह सरकार के द्वारा, उसके विरोध के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार आम आदमी लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे लीडर्स के पदाधिकारी। उधर रायबरेली में निर्माणाधीन मकान की छत ढालते समय शटरिंग गिरने से 4 मजदूर शटरिंग के नीचे दब गए, जिसमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के चिखरी गांव का है, जहां मकान में शटरिंग लगाकर छत डालने का काम चल रहा था। तभी बल्ली टूट जाने के कारण शटरिंग भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे नीचे खड़े 4 मजदूर दब गए। साथी मजदूर और ग्रामीणों की मदद से शटरिंग के नीचे दबे सभी मजदूरों को निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाँ, मुकेश कुमार और बिंदु दोनों की उम्र 22 साल 23 साल है की, तो बछरावा से रेफर हैं वो, और एक के सर में थोड़ा सा खरोच है और एक के चेहरे पे चोट है, तो दोनों का फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया।
रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के कुनंदगंज में ड्यूटी कर वापस जा रहे रेलवे कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रेलवे कर्मचारी को टक्कर मार दी, जिससे रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल को CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर बुलंदशहर घने कोहरे की चादर से ढक गया है। घना कोहरा और सर्दी पड़ने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे लोग लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। कई दिनों से सर्दी तो बहुत पड़ रही है, आज कोहरा इतना डबल है कि मतलब हाथ से हाथ नहीं दिख रहा। गरीब आदमी है, आग जला के अपना टाइम काट रहे सड़क किनारे। और सर्दी में किस तरह की परेशानी आ रही है? हम विकलांग हैं, हाथ पैर में दर्द रही है, लाठी के सहारे अब चला भी ना जाता है। तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के गांव करोड़ा के पास बोलेरो सवार दो लोगों के साथ पीछे से आ रही कार में सवार तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर दो मोबाइल और गाड़ी में रखे जरूरी कागजातों को लूटकर कार सवार तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। पीछे से एक गाड़ी आई, उसने साइड में लगाया, मेरी गाड़ी रोड से नीचे उतरी है, उतरती उन्होंने तीन बंदे अंदर बैठे थी, गाड़ी की तलाशी ली है, हमारे पास कुछ नहीं मिला सिवाय कागज के। उसके बाद सील बैंड लगा, हमें गला दबा और हमारा फोन लेके और गाड़ी की चाबी लेके बाकी। कितने लोग थे वो? अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मजदूरी कर पढ़ाई करके टॉपर बने युवक को सम्मानित किया। गोरखपुर के चुआलाता थाना के रहने वाले बलवंत निषाद मजदूरी कर घर परिवार का काम चलाते हैं और इस तरह से आगे पढ़ाई करते हुए ITBP ASI सिविल इंजीनियरिंग के टॉपर बने हैं। इस मौके पर निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बलवंत निषाद के पैतृक गांव पहुंचकर उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए कहा कि यह हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित कार्य है और हम बलवंत निषाद को शुभकामनाएं देते हैं। मेरे संगठन के श्री सुबई निषाद जी की जो ग्राम अमवा के ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव के एक होनहार छात्र, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो मजदूरी करते थे, लेबर का काम करते थे और पढ़ाई करते थे, लेबर का काम करने के साथ साथ उनकी किताब कापी में जो पैसा घटता था, फीस घटती थी, उसको लेबर का काम करके पूरा करते थे और अथक प्रयास से, अथक मेहनत से उन्होंने ITBP की परीक्षा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग SI पद की थी, उसको पूरे इंडिया में टॉप किया। और जब हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग निषाद और टीम के साथ आदि घर जाकर स्मृति चिन्ह देकर ऐसे निषाद के लाल और देश के लाल को देखकर हम लोगों का भी सीना गौरव से। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, समाज के लोगों को? जैसे निषाद युवा वाहिनी तो समाज में ही संकल्प लेके चली रही है, उसी संकल्प का ये प्रमाण है श्री बलवंत निषाद जी, जो समाज पढ़ेगा वो समाज बढ़ेगा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। जिस तरह से भाई बलवंत निषाद जी ने अपने अथक प्रयास से, अपने अथक मेहनत से इतने महत्वपूर्ण पद को अचीव किया, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि शिक्षा अति आवश्यक चीज़ है जो समाज। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों ट्रकों के पड़खच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे का है, जहां देर रात दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ट्रकों में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के लालगंज थाना पुलिस ने प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण कराने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बाइबिल की किताब, दो चर्च रजिस्टर, एक डायरी और चार लिफाफा बरामद किया गया है। बता दें कि लालगंज थाना पुलिस को 11 दिसंबर को कुछ व्यक्तियों द्वारा छाहुड़ मछीवाड़ा गांव में यूसु धाम में इकट्ठा होने और भोली भाली जनता को ईसाई मिशनरियों द्वारा चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस सक्रियता दिखाते हुए जांच आरंभ किया, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। थाना अध्यक्ष के निर्देश के बाद फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर के ग्राम मझगांव में कुछ लोग प्रार्थना सभा के माध्यम से समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को बरगला कर और लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस सूचना को तस्दीक किया गया, सत्य पाया गया। आज दो व्यक्तियों को धर्मांतरण कराने। उधर रायबरेली में रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर में लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और 12 साल का बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। पति पत्नी और बेटे के साथ कार पर सवार होकर मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। मामला उचहार थाना इलाके के लखनऊ प्रयागराज मार्ग का है, जहाँ लखनऊ के अलीगंज के रहने वाले गिरधर त्रिपाठी दोपहर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रयागराज जाने के लिए निकले थे। शाम को बाबूगंज के पास जैसे ही इनकी कार पहुंची, तभी लखनऊ से आ रही रोडवेज बस अचानक सामने आ गई। दोनों वाहन की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के चलते जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार के पड़खच्चे उड़ गए। कार के भीतर फंसे परिवार को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गिरधर त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी और बच्चे को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। गिरधर त्रिपाठी उम्र 40 साल है, उनका एक्सीडेंट हुआ उधर, तो उनचार CSC से रेफर है और यहाँ मृत अवस्था में लाए गए, ब्रॉड डेड है। उनकी बॉडी मॉर्चरी में रख दी गई। क्या लोग थे भाई? एक गिरधर त्रिपाठी थे, उनका बच्चा था, बच्चे को एडमिट कर दिए, उसको भी गंभीर चोट है, एडमिट है, और ये तो गिरधर त्रिपाठी खत्म। गिरधर त्रिपाठी उम्र 40 साल। मिर्जापुर में विंध्याचल मंडल, वाराणसी मंडल और प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय रवि उत्पादकता गोष्ठी 2023 का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गोष्ठी में रवि के फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। रवि के फसलों के उत्पादन का हमारा लक्ष्य है और वो रवि का रकबा है, वह 130 लाख मीट्रिक टन से ऊपर किए जाने का लक्ष्य है। सूरज जरा सा हाथ के दृष्टि से ये हमारी सूरज जरा सा मंडली उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन विभिन्न मंडलों के भीतर किया गया है। आज यहाँ पर 3 मंडलों का गोष्ठी हुई, जिसमें विंध्य मंडल, प्रयागराज मंडल और काशी मंडल, ये तीनों मंडलों के हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहब आन हैं, CDO साहब आन हैं और सहयोगी जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारीगण हैं, जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं को किसानों के बीच में रखा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसानों को सारे इनपुट समय से उपलब्ध हो जाएं, उनकी कठिनाइयों का इस दृष्टि से समाधान किया है, नहरों को सफाई करके उनको पानी दिए जाने की। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां कलेक्शन एजेंट का काम करने वाले शख्स का उपभोक्ताओं से पेमेंट लेकर कंपनी को नहीं देने का और पैसा गबन करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मेन लाइन रजिस्टर कंपनी में कर्मचारी रियाज अहमद लगभग 18 साल से गोरखपुर में बतौर कलेक्शन एजेंट काम करता था।
कंपनी के जोनल मैनेजर का कहना है कि इन लोगों ने उपभोक्ताओं से पेमेंट लेकर कंपनी को नहीं दिया और हाथ से फर्जी रसीद बनाकर उपभोक्ताओं को दे दिया। उपभोक्ता पैसा नहीं दे रहे हैं। जब इस बात की जांच की गई तो पता चला कि रियाज अहमद ने ही उपभोक्ताओं से पैसा गबन कर हड़प लिया और कंपनी का माल उपभोक्ताओं को अपने हाथ से रसीद काट कर भेज दिया। वहीं कंपनी के जोनल मैनेजर नीर कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे कंपनी का नाम और प्रतिष्ठा के क्षति हुई है। जब यह बात रियाज अहमद से पूछे गए तो उसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। मेरे यहाँ पर 18 साल से रियाज अहमद काम करता था। अभी 3-4 महीने से कुछ शिकायतें आने लगी थी पार्टी के, माल नहीं मिल रहे हैं, माल नहीं, तो कंपनी ने मेरे को 23 तारीख को ऑर्डर दिया कि आप जाइए कंपनी के अकाउंट और ऑडिट पूरी करके आइए। मैं 23 तारीख को यहाँ पर आके चेक किया तो पता चला कि अकाउंट काफ़ी ड्यू चल रहा पार्टियों का। तो जब मार्केट में इंक्वायरी की तो पार्टी ने मना कर दिया कि हम टोटल कैश रियाज को दे चुके हैं और डेली का डेली देते थे। उसके बाद जब मैं गोडाउन चेक किया तो काफ़ी गोडाउन से माल गायब है। कम से कम मेरा 35-40 लाख 35-50 के बीच का माल गायब है। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है मार्केट में, रसीदें काट दी हैं, पार्टियां चेक कर रही हैं अपने हिसाब में। पुलिस ने जो मैंने एप्लीकेशन सही दी थी उसको हटाकर अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिखवाई और छोटी मोटी धारा लगाकर बोले हम ही देखते हैं। ये राजगढ़ थाने का मामला, इसमें हमारे रियाज अहमद और उसका पूरा परिवार है। क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बैतूल के घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सब दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार द्वारा पूरी सुविधा देने के बावजूद वहां कार्यरत कर्मचारी अपने काम के प्रति लापरवाही बरतते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सोमवार का है, जहां ट्रेन की चपेट में आया बुजुर्ग रतन यादव को घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहूलुहान हालत में ले जाया गया, लेकिन घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने बुजुर्ग घायल पेशेंट को सर में गंभीर चोट होने के बावजूद बिना टाके लगाए बैतूल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बैतूल जिला मुख्यालय से घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इन 35 किलोमीटर के दौरान बुजुर्ग के सर से पानी की तरह खून बहता रहा और उसके पूरे कपड़े चादर खून से लथपथ हो गए। रात लगभग 10 बजे घायल बुजुर्ग को बैतूल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए उसके सर में टाके लगाकर उसका उपचार किया, लेकिन अधिक खून बह जाने से बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई और उसे परिजन निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। किसको लेकर अभी आ पाए हैं? हमारे दादाजी। कहाँ चोट आई उनको? सर सिर में चोट आई है। क्या शिकायत है आपको घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? सर वहाँ पे उनको टाका ने लगाया। हाँ। और अभी गाड़ी के भी पीछे आए। हाँ। तो गाड़ी इतनी धीमी चलाते हैं कि ऐसे में ताकि कोई मरीज यदि बीच में ज्यादा सीरियस भी हो तो उसको बहुत मतलब जल्दी गाड़ी चलना चाहिए। उस गाड़ी वाले ने भी बहुत गाड़ी धीरे चलाई थी। तो डिंडोरी में तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। उधर इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 मकानों में चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के 5 लाख माल भी बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले रेकी करता था और जिन मकानों पर ताले लगे मिलते थे उन मकानों को अपना निशाना बनाता था, जिसमें तुलसीनगर थाना क्षेत्र लसुड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसीनगर में 2 चोरियां हुई थी और जो एक सिंगापुर टाउनशिप में एक चोरी हुई थी। तो पुलिस को जो है वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज भी एक जगह के घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। इसमें पुलिस ने पूरे सीसीटीवी फुटेज को आसपास के एरिया को पूरे खंगाला, करीब 100 सीसीटीवी फुटेज आसपास की एक टीम को गठित किया गया। उसके बाद से सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिसमें पता चला कि वो व्यक्ति जो है उसका मॉडस ऑपरेंडी ये था
तो दिन में पहले उन मकानों की घरों की वो रेकी करता था, जो मकान में जहाँ ताले उसको दिखते थे वहाँ पे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करता था। तो पुलिस ने इसके बाद फिर उसी के आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त की, मुखबिर मामूर के माध्यम से और जानकारी उसके बारे में इकट्ठा की, तो पता चला वो व्यक्ति जो है खजराना थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ का रहने वाला है, और फाइनली पुलिस ने उसको जो है मध्य प्रदेश के शहडोल में भी सिद्धि पेशाब कांड जैसा एक मामला सामने आया है। इस मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पुलिस पर ही पीड़ित के ऊपर पेशाब कर अश्लील हरकत करते हुए मारपीट का आरोप लगाया गया है। हैरान कर देने वाला यह मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां हरिजन ग्रामीण ने जयसिंह नगर पुलिस पर पेशाब कर अश्लील हरकत करते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। इस मामले की शहडोल पुलिस बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। यहाँ ये जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के निवासी हीरा लाल के द्वारा जो है एक लिखित में शिकायत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रेषित किया है, समक्ष भी उपस्थित हुआ था, जिसके द्वारा जो है जयसिंह नगर थाने में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा मारपीट किए जाने संबंधित आवेदन दिया है। तत्संबंध इसको जो है जांच हेतु निर्देशित किया गया है। प्राथमिक दृष्टिकोण में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है इनके ऊपर भी अपराध पंजीबद्ध था और चालानी का 12 से 1 बजे रात के बीच में दारू के नशे में बहुत नशे में चूर थे वो, जा करके मेरे दरवाजे को लात मार दिए। छोटी सी झोपड़ी में मैं रहता हूँ, बीपीएल श्रेणी का आदमी हूँ मैं, तो वो दरवाजा का हिटकिली टूट गया, तब अंदर घुस करके मेरी पत्नी का बांह पकड़ के और उसको कह रहा था मैं तेरा इज्जत ले लूँगा, फिर छाती में हाथ लगा जिससे उसके मिल्क में खड़ोच भी आ गया सर, तब वो हल्ला मताई तो मैं भीतर सोया था, एक माह का बच्ची है मेरी पत्नी के, तो पर्ची में सोई थी मैं, भीतर पढ़ते पढ़ते सो गया था सर, पढ़ रहा हूँ गरीब आदमी समालोचना से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।